हेलो माय डियर लवली एंड क्राफ्टी फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजुम आर्ट एंड क्राफ्ट। और मैं अंजुम आज आपके लिए लेके आई हूँ बड़े ही क्यूट डीआईवाई आइडियाज़ फॉर मदर्स डे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने एक बटर पेपर पे मैं एक हार्ट के शेप ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरह से मैंने दो छोटे और एक बड़ा ड्रॉ करना है और उसके ऊपर हॉट ग्लू गर्म को गर्म करके इसके ऊपर इस तरह से इवनली स्प्रेड कर देना है। और इसी तरह से आपने तीन बनाने हैं, दो छोटे और एक बड़ा। ये देखिए, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरे आगे आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। ये देखिए, ये ड्राई हो गए और बटर पेपर्स नॉन स्टिकी होता है इसीलिए ईजिली बाहर आ गया। और इसके बाद हम इसे मैं सीज़र के हेल्प से इसे शेप और इवन कर दे रही हूँ। इससे जो भी थोड़ा सा स्प्रेड है वो कट आउट हो जाएगा और ये स्प्रेड होके बाहर आ गया। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से बनके ये रेडी है। उसके बाद मैं इस पर कलर कर रही हूँ। आप कोई भी कलर अपना डिज़ायर्ड यूज़ करके इस पर कलर कर दे। और इसे ड्राई होने देते हैं। मैंने रेड कलर यूज़ कर लिया है। ये एक्रेलिक कलर्स हैं जो इजीली, और इनमें शाइन भी होती है एक्रेलिक में, इसलिए मैं एक्रेलिक यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से कलर हो गए हैं। अब आप इस पर कोई भी डिज़ाइन दे दें। मैं इसमें एक वाइट एक्रेलिक कलर्स से मंडाला डॉट्स दे रही हूँ और मुझे ये डॉट वाला ही डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया था गाइस, तो मैं इसे डॉटेड दे रही हूँ। ये देखिए, आप चाहें तो इसमें कुछ और ड्रॉ कर सकते हैं। वो टोटली आपका विश है कि आप क्या ड्रॉ करना चाहते हैं और किस तरह से ड्रॉ करना चाहते हैं। मुझे ये ऐसे ही अच्छा लग रहा था। मैंने छोटे बड़े अलग अलग साइज़ के जो डॉट्स हैं वो डाल दिए हैं इसमें। और गाइस, एक बार नोटिस करिएगा कि ये DIY टोटली बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है। इसमें कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं लगा है जो हमारे घर में अवेलेबल नहीं होता है। ये सारा ईजिली हमारे घर में अवेलेबल होता है। ये देखिए, एक पेंडेंट और दो इयर रिंग्स। तो जो टॉप्स हैं, मैं उनमें पीछे, ये देखिए, इसमें पीछे एक वेस्ट मेरे पास ये पड़े हुए थे तो मैं ये लूप्स लगा दे रही हूँ और इसे रेडी। और ये मेरे ईयर टॉप्स बन गए हैं। और इसमें मैं एक गरम उससे होल कर रही हूँ, एक गरम रॉड से पतली सी, और इसके अंदर मैं थ्रेड डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो चेन डाल दें, कुछ भी आप इसके अंदर डाल दें। और कलर आप चूज़ कर लें, क्योंकि मेरा रेड कलर था मेरे पेंडेंट का, तो मैंने रेड कॉटन थ्रेड ले लिया। आप सिल्क थ्रेड भी ले सकते हैं। और ये देखिए, ये इस पर मैंने नॉट लगा दी और ये मेरा पेंडेंट बनके तैयार है। है ना, बड़ा ही प्यारा सा DIY आइडिया। होप आपको ये पसंद आया होगा। अपनी मदर को ज़रूर गिफ्ट करें। ये देखिए, सेकेंड मैंने एक पियर्स का खाली बॉक्स ले लिया है, सोप बॉक्स है, और इसे मास्किंग टेप से हार्ड कर दे रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें कार्डबोर्ड में ग्लू लगा के पेस्ट कर रही हूँ ताकि बेस मजबूत हो जाए। उसके बाद उसी तरह से फेविकॉल लगा के ही, कोई भी ग्लू आप यूज़ कर ले, मैंने फेविकॉल यूज़ किया है, और कार्डबोर्ड में इस तरह से इसमें पेस्ट करते जा रही हूँ। ये देखिए, पेस्ट करते जाएँ और कटिंग करके इवन कर ले। इस तरह से ये एक हार्ड लुक में आ जाएगा। ये बन के मेरा टोटली तैयार है। देखिए, ये वेस्ट बॉक्स था जिसे मैं क्रिएट करके एक प्यारा सा ज्वेलरी बॉक्स रेडी कर लूँगी। अब इसको मैं ब्लैक एक्रेलिक कलर से पेंट कर दे रही हूँ। पूरा इवनली पेंट करके मैं इसे ड्राई कर लूँगी। तो होप गाइस, आज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बड़ी ही मेहनत लगती है गाइस कोई भी वीडियो बनाने में या DIY करने में, और DIY करके हम आपके लिए ही प्यारे प्यारे से DIY लाते हैं। अगर आप इसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ जाता है और नए DIY के लिए और अच्छे आइडियाज़ हम निकाल के ले आएंगे। ये देखिए, थर्माकोल प्लेट है, उससे मैंने इस तरह से लीफ शेप में इन्हें कट कर लिया है और इन्हें मैं पेस्ट करते जा रही हूँ। आप फेविकोल की हेल्प से इन्हें पेस्ट कर लें, ये ईजिली पेस्ट हो जाते हैं फेविकॉल से। नहीं तो आप फैब्रिक ग्लू, जो फेविकॉल हॉट ग्लू गन होता है, या जो स्पॉट ग्लू होती है, जो हार्ड ग्लू होती है जो इंस्टेंट पेस्ट कर देती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसके ऊपर एक बार मैं और लगा दूंगी।
ऑलरेडी प्लेट में एक जो प्लेट की बॉर्डर होती है, जो हमारी थर्माकोल प्लेट होती है, उस पर ऑलरेडी एक शेप दी हुई होती है, तो मैं कोई ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे कुछ और करने की। सिंपली मैंने कट करके इसे पेस्ट कर दिया है। मैं ब्लैक एक्रेलिक से इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से कवर कर दूँगी। गाइस ध्यान रखिए कि पहले इसे अच्छी तरह से ड्राई होने दीजिएगा, उसके बाद ये करिएगा, और ये बहुत जल्दी ही बन जाता है। इट टेक जस्ट हाफ एन आवर, आप आधे से पौने घंटे में इसे बना के रेडी कर लेंगे। जस्ट मैंने एक गोल्डन कलर ले लिया है ब्रश में अपने, और उससे मैं इसमें एम्बोज दे रही हूँ, टचअप दे रही हूँ, जिससे मेरा बॉक्स एक एंटीक लुक में आ जाएगा। देखिए, कोई बिलीव करेगा कि ये एक सोप का पुराना बॉक्स था जिसे मैंने एंटीक बना दिया? होप ये आइडिया आपको बहुत ही पसंद आएगा, और आप इस बार अपनी मदर्स डे सेलिब्रेशन में अपनी मदर को ये गिफ्ट करना ज़रूर ट्राई करेंगे। ये बना के उन्हें दीजिए, शी विल बी वेरी हैप्पी, और आप खुद भी देखेंगे कि आपने क्या क्रिएट किया है। ये देखिए, चारों तरफ से इसे हल्का हल्का एम्बोस किया, और ड्राई करने के बाद जब ये ओपन होगा, इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, क्योंकि इसका लुक ही कुछ इस तरह से आया है। ये देखिए, अब आप इसके अंदर आप कुछ भी ज्वेलरीज रख के उन्हें दें। ये देखिए, मैंने ईयर रिंग्स डाले। आई एम ऑल्सो गिफ्टिंग दिस टू माई मदर। सो ये हेयर वी आर रेडी विद द बॉक्स। ये टोटली एक वेस्ट, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आइडिया था जो बनके इस तरह रेडी। अब एक मैच बॉक्स ले लिए, ये भी वेस्ट है गाइज, और एक मैंने उसके ऊपर येलो कलर का क्राफ्ट पेपर पेस्ट कर दिया है सिंपली। अब मैं एक पेपर ले ले रही हूँ, और कोई भी साइज़ आप स्क्वायर ले लें, बड़ा छोटा जितना आपको चाहिए स्क्वायर, जैसे कि मेरा 8x8 का था, ये मैं इसे लेके इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। स्टेप्स को फॉलो करते जाएं, और स्टेप्स फॉलो करके आप इसमें एक क्रिएशन मैं क्रिएट करूँगी। ये ओरिगेमी बेस्ड है, ये भी एक ईजी DIY है, लो कॉस्ट है, कोई इसमें हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। ये सिंपली हमारे घर में ये मटेरियल अवेलेबल होता है, उसी से बना रहे हैं। ये तीसरा DIY तो बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं इस मदर डे पे, और आप अपने स्कूल के लिए क्राफ्ट बनाएं, मदर डे कॉम्पिटिशन के लिए बनाएं, और अपनी मदर के लिए तो ज़रूर ही ट्राई करें। इनमें से कोई एक आइडिया तो आप ज़रूर चूज़ करें। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और मेरे आगे आने वाले अपडेट्स को श्योर गाइस देखना ना भूलिए, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं। आपके ही प्यार और सपोर्ट के थ्रू हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अपने नए वीडियो को अपलोड करते टाइम हम बिल्कुल एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें देखेंगे और पसंद करेंगे। ये देखिए, इसमें प्यारा सा एक मैसेज लिख दिया है मैंने, और हम अपनी मदर के लिए जितना भी लिखें उतना कम है। तो ये देखिए, मैंने प्यारा सा इसके अंदर लिख दिया है, एक सीक्रेट मैसेज मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। When my mother opens this box, she will get a beautiful note, that message inside the box. ये बनके ready है, see? तो चलिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बने रहे मेरे चैनल पर। फिर मैं मिलूंगी अपने नए DIY आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी मदर्स डे।